निकल रहा था अपन मैं आपको साहब सेकंडरी को अगर 10 मिनट का हम रुक गए तो इधर निकल आ रहे हैं जनवरी 12 से हफ्ता खुर्रा अंदाजी का डेट सेंट्रल हेल्थ कमेटी से हमारे को आई गई है जो कि तेलंगाना स्टेट में इस बार 14,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए जिसमें से 4,100 लोगों का हमारे पास खुर्रा होगा उस दिन और ख़ासकर यहाँ पे परदानशीन बहनों के लिए माओ के लिए भी उनके लिए भी अलग इंतज़ाम किया गया है खुर्रा में आने के लिए आकर देखने के लिए क्योंकि ये जो भी हो रहा है सेंट्रल हेल्थ कमेटी के तहत है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ अगर कोई मीडिएटर्स बोले या कोई भी आके ये बोले कि हम आप लोगों का हम करा सकते या आप लोगों का नहीं हुआ तो हम करा देंगे इसके लिए एप्लीकेशंस के लिए या हज की सीट के लिए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के बातों में मत आइए आप लोग ये जो भी है सेंट्रल हज कमेटी के तहत है बल्कि मैं ही बोल के नहीं यहाँ के जितने मुलाजिम हैं वो लोग भी इस चीज़ के अंदर कोई आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकते तो खासकर गुजारिश है कि ऐसे लोगों के जो मिडिल मैन है तो खासकर जो बीच में आकर बोलते हैं हम करा सकते हैं इनके इन्फ्लुएंस से या कोई भी कोटे से तो वो बात गलत है बिल्कुल आप लोग ये चीज़ों से एहतियात करिए और खासकर अल्लाह के उस पर भरोसा रखिए जो अल्लाह के घर को जाना है अल्लाह जिसको बुलाना है अल्लाह उन्हीं को बुलाता है वही अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं शुक्रिया अच्छा कोई चीज़ जी और खासकर खुर्रा उस दिन 12 तारीख के दिन जनाब महमूद अली साहब के हाथों से ही यहाँ पे पहले जो सो खुर्रा अंदाजी का बटन दबाया जाएगा कितने बजे सुबह 11 बजे के टाइम में